कोरोना ने शेयर बाजार को लहूलुहान कर दिया है। कोरोना का संकट गहराने और लॉकडाउन की वजह से घबराए निवेशकों का सब्र अब टूट चुका है। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स के इतिहास में पहली बार एक दिन में 13% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 3934 अंक गिरकर 25,981 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1135 अंक गिरकर 7,610 पर क्लोज हुआ। आज बाजार में खुलते ही निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी। शुरुआत में 15 मिनट में ही सेंसेक्स 10% से ज्यादा गिर गया, जिसकी वजह से सर्किट लग गया। मार्च के महीने में दूसरी बार बाजार में सर्किट लगा है। आज के कारोबार में निवेशकों का 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। निफ्टी के सभी 50 शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली। इंडिया VIX आज 12 साल के ऊपरी स्तर पर चला गया। निफ्टी 4 साल के निचले स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 3 साल के निचले स्तर पर बंद हुआ है। शेयर बाजार में गिरावट रोकने में सेबी के नियम भी काम नहीं आए। सेबी ने पिछले हफ्ते शॉर्ट सेलिंग के नियम सख्त किए थे। इससे उम्मीद बनी थी कि शायद बाजार में गिरावट कुछ कम हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती को देखते हुए सरकार ने भी मोबाइल फोन और फार्म इंडस्ट्री के लिए राहत के ऐलान किए हैं लेकिन बाजार पर कोई असर नहीं दिखा। विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। वे 2 हफ्ते में बाजार से 50,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। बाजार में आज गिरावट की 3 बड़ी वजह रही। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की वजह से देश के कई राज्यों में 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। करीब 2 हफ्ते में वे 50,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के डर से दुनिया भर के बाजारों में गिरावट आ रही है। हांगकांग के बाजार में 5% गिरावट देखी गई। जानकार मानते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए इस वक्त बाजार अच्छा हो गया है। दिग्गज कंपनियों के शेयर 40-50% की छूट पर मिल रहे हैं। ऐसे में बाजार में पैसा लगाने का अच्छा मौका है।